नमस्कार टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है और ये 22 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी कि महीना और ईयर एंड तक की रीडिंग होगी। इस क्योंकि दिसंबर का महीना है और 2023 महीने का साल का भी एंड है तो ये वहाँ तक की होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो टॉरस के पर्सन हैं उनकी टॉरस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखते हैं टॉरस आपके अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। काफ़ी थक गई हूँ तो बोला भी नहीं जा रहा आपके लिए, तो चलिए चलते हैं। टॉरस सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। काफ़ी थक जाते हैं भाई, बहुत लंबी रीडिंग होती है। द एम्प्रेस, इस रिश्ते में टॉरस आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो अवर्नेंस आ सकता है, खुशियां आ सकती हैं, प्यार प्रेम बढ़ सकता है, मतलब यानी कि इस रिश्ते से फिर से खुशियां वापस आती दिखाई दे रही हैं। प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे तो फिर से चीज़ें कामयाब हो सकती हैं, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है और काफ़ी खुशहाल वो रिश्ता हो सकता है। तो वो टॉरस के लिए महसूस कर रहे हैं या उनके पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं इसको। क्या बात है यार, कार्ड उल्टे हैं क्या फिर से? सॉरी गाइस, फिर से इसमें करना पड़ेगा क्योंकि एक कार्ड के साथ कई कई कार्ड आए हुए हैं, चिपके हुए हैं कार्ड आपस में। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड जो है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर आप इस रिश्ते में जो जगल फेज में हैं, जो जगलिंग कर रहे हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए काम करना चाहिए। तो जब तक आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रहेंगे तब तक उन चीज़ों से चिपके रहेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएँ देते हैं, परेशानियाँ देते हैं, दिक्कतें देते हैं, तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगर आप इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं तो इस जगलिंग फेज से बाहर निकलिए, डिसाइड कीजिए कि आपको आगे बढ़ना है, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर निकलिए और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आइए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे को गले लगाइए, एक दूसरे से माफ़ी मांगिए और तर्क वितर्क मत कीजिए, यानी कि गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, ज़्यादा एक दूसरे को जज करने मत बैठिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से जो है खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से इसमें अबंडेंस आ सकता है, आगे बढ़ सकता है, नेम और फेम हो सकता है। 12 की 12 राशियां इस रिश्ते में आपका साथ दे सकती हैं, तो ऐसा वो फील कर रहे हैं आपके लिए या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए ऐसा फील कर रहे हैं। इसको देखते हैं कि टॉरस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। आप को लगता है कि अगर इस रिश्ते में बिगनिंग दोबारा से आगे बढ़ा जाता, कमिटमेंट वगैरह की जाती है या तो फिर से ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, समाज में मान सम्मान होगा, इज्जत होगी, आगे बढ़ेगा ये रिश्ता, काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते से आएंगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्या कार्ड उल्टे पकड़े हुए, क्या क्या चक्कर है।
जी टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो अननोन फियर है, जैसे आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जो ये आपके खुद के बनाए हुए हैं, इस अननोन फियर से बाहर निकलना चाहिए उन्हें, जो वो बार बार महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, पनौती आई है, बाधाएं आई, रुकावटें आई हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो उन्होंने छिपाया हुआ है, तो उन चीज़ों से बाहर आइए, इस नेगेटिविटी से बाहर आइए आप इस रिश्ते में, क्योंकि जब तक आप इसमें इन चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, तो तब तक बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें इस रिश्ते में लगातार आती रहेंगी। आप उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए पॉजिटिव लोगों में बैठिए, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा कीजिए, सत्संग में जाइए, कीर्तन में जाइए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या फिर जो कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है उसको जानिए, पहचानिए, बजाय कि उस पर्सन की बात सुनने के आप आमने सामने इस रिश्ते में क्लैरिटी लाइए। और जो अगर आप इस रिश्ते में क्लैरिटी लाते हैं, इस अननोन फियर से बाहर निकलते हैं, तो जो ये रिश्ता है इसमें जो है इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो वो बैलेंस बनेगा, उसमें खुशहाली आएगी और दोनों दोनों तरफ से ही अगर ये रिश्ता बराबर होगा, इक्वल होगा, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से प्रेम से पेश आएंगे, तो जो बैलेंस नहीं बन पा रहा, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही, वहाँ बैलेंस आएगा, खुशहाली आएगी। और इस काम को करने के लिए आप परिवार की, फैमिली की मदद ले सकते हैं, उनका सपोर्ट ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, ताकि ये रिश्ता फिर से विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, अबंडेंस आ सके। और हो सकता है कि इसमें अगर आप इसमें बैलेंस लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो फिर से इसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे, तो फिर से सहनाइयाँ बच सकती हैं, फिर से शादी हो सकती है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और ये क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, तो देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपके लिए क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, तो आप वो आपसे चाहते हैं कि यूनिवर्स जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करें, अगर क्योंकि अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये जो अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी, और इसमें आप सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे, जैसा कि आप कार्ड में देख रहे हैं, लक आपका साथ देगा, और जो भी दुख के बादल रहे हैं, जो भी परेशानियां, तकलीफ रही इस रिश्ते में, वो सारी खत्म हो सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने, यानी कि मतलब खुद पर फोकस करें, क्योंकि अगर आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, थोड़ा सा खुद पर फोकस करेंगे, रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने की सोचेंगे, तो इस रिश्ते में खुशहाली आएगी, नेम और फेम होगा, सक्सेसफुल ये रिश्ता बनेगा, फ्रूटफुल होगा। और अगर रुककर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत आपको करने की ज़रूरत है, वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, और अगर बिगनिंग शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फ्रूटफुल, कामयाब हो सकता है, विनिंग हो सकती है, हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। और दिल से ना सोचकर आप दिमाग से अगर काम लेते हैं एक क्लैरिटी के साथ के आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो उस सोच के साथ अगर आप ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक शुरुआत कर देते हैं, तो इस रिश्ते में लक भी आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देने आ रहा है, खुशियाँ आपको मिल रही हैं, और काफ़ी आगे ये रिश्ता बढ़ सकता है, काफ़ी हर तरह से खुशहाल हो सकता है। तो देखते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, टॉरस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
टावर। तो टॉरस, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप हो सकता है कि जिस नेगेटिव दौर से गुजर रहे थे, जो आपको लग रहा था कि रिश्ता भारी भरकम बन गया, बोझिल बन रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, इस रिश्ते में कोई खुशहाली ही नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें पेशेंस रखा जाए, थोड़ा सा पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल किया जाए, क्योंकि कुछ ग्रह नक्षत्र की वजह से, समय के फेर की वजह से चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं, समय खराब हो जाता है, और लेकिन पेशेंस के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें ठीक होंगी और एक फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें आपके पर्सन, और इस पेशेंटली अगर हैंडल करेंगे तो चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली कि इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि द टावर जो है एक कई बार एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का कार्ड होता है, और कई बार जो है रोकने का, यानी कि दुख तकलीफ का भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन में ही ये काम करता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली जो है टॉरस चाहते क्या हैं अपने पर्सन से, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में उनका दिल दुखा है, जो मन दुखा है, ये क्योंकि इतना नेगेटिव ये रिश्ता रहा है, इतना उनके लिए परेशानी भरा ये रिश्ता रहा है कि वो अभी भी इस दर्दनाक हादसे को भुला नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो अभी चाहते हैं कि उन्हें समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही होंगी, और क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर अभी रिग्रेट है, परेशानी में है, तकलीफ़ में है, वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता ख़त्म क्यों हुआ है, क्या कारण रहा है, वो इस चीज़ को लेकर दुखी हैं। अगर लेकिन अगर वो नज़रें घुमाएंगे तो टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अगर वो मदद मांगेंगे तो फिर भी, हालांकि टॉरस इस परेशानी से गुजर रहे हैं, उनको लग रहा कि अभी भी वो दुख तकलीफ में है, लेकिन वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसके लिए रिग्रेट ना हो, परेशान दुखी तक ना रहें, वो नज़रें घुमाएं और उनसे मदद मांगें। अगर वो मदद मांगेंगे और इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, दोनों पक्षों की बात सुनी जाएंगी, एक तरफा डिसीजन नहीं लिया जाएगा, तो फिर से जो है ये दुख के बादल हैं वो छट जाएंगे, जो परेशानी है जो ख़त्म होंगी, और पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे, समय के साथ, वक्त के साथ फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में अपने आप को रिग्रेट महसूस ना करें कि उन्होंने टॉरस को बहुत दुख तकलीफ दिया, वो एंजाइटी स्ट्रेस में है, लेकिन वो नज़रें घुमाएं और उनसे फिर से मदद मांगे ताकि ये रिश्ता एक हो सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रह सकता है देखते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि इसका आउटकम अभी एंजाइटी स्ट्रेस में रह सकते हैं, प्रॉब्लम में रह सकते हैं वो, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि चाहते हुए भी वो इस नेगेटिविटी से नहीं निकल पा रहे हैं, वो अपने आप को घेरे हुए हैं, बंधन में हैं, काफ़ी वो इस दर्दनाक हादसे को भुला नहीं पाए हैं, और कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं कि अगर बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करने के, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकला जाता है, एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं, तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं, एट ऑफ स्वॉर्ड्स को, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स
फोर ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम अभी बता रहा है कि बहुत हो चुका, बहुत हो गया है अभी, क्योंकि आप उसी पर्सन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में जा चुका है, लेकिन अभी आपने इसका ओवर जो है इसका आउटकम बता रहा है कि आपने सोच लिया है, ठान लिया कि बहुत इस रिश्ते में बहुत हो चुका, अभी इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, मतलब कि ऐसी जगह पर ऐसे लोगों के बीच में जहाँ पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, तो आप अभी इस रिश्ते से मूव ऑन करके इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तभी आपको लगेगा कि आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे जब आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये काफ़ी रिश्ता नेगेटिव लग रहा है, काफ़ी परेशानी भरा लग रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो जब भी बोलते हैं वो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, और आप इस रिश्ते से स्टक एनर्जी से अभी और कंफ्यूजन में आप नहीं रहना चाहते। हालांकि उनका वेट इंतज़ार करना चाह रहे थे, लेकिन काफ़ी चाहते हुए भी आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए आप अभी फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अभी इस रिश्ते में आप वापस आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसका जो है आउटकम बता रहा है कि अभी आपको इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी परेशानी, दुख तकलीफ रही है, इस रिश्ते में सिचुएशन खराब रही है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इस रिश्ते में टॉरस या उनके पर्सन की तरफ से रही है, तो अभी टॉरस या उनके पर्सन अभी फिलहाल महसूस कर रहे हैं कि अभी जब तक इस परेशानी, दुविधा से अच्छी तरह से बाहर नहीं निकला जाता, हीलिंग मेडिटेशन नहीं हो जाती, तो बहुत हो चुका, अभी पहले इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं और तभी इसके बारे में सोचा जाएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वांड्स, द डेविल। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट की स्थिति रही है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई रिश्ते में आना जाना लगा हुआ है, लेकिन कोई भी कमिटमेंट वगैरह नहीं है, तो ये रिश्ता टॉक्सिक बना हुआ है, जहरीला बना हुआ है। अभी इसमें कोई भी सिचुएशन ठीक नहीं है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई ना कोई बंदा हो सकता है जो इस रिश्ते को खराब बर्बाद कर रहा है। तो जब तक उस नेगेटिविटी से, उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर नहीं निकल जाते, या अगर वो खुद थर्ड पार्टी में है, हो सकता है कि सामने वाला पर्सन खुद थर्ड पार्टी में है, तो जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक इसमें बिगनिंग, शुरुआत नहीं की जा सकती। तो पहले आप इस अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, जो टॉक्सिक सिचुएशन में है उससे बाहर निकलिए, या फिर जो भी पर्सन इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। अभी आपको नए या पुराने किसी कहीं भी रिश्ते में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, समय सही नहीं है, अभी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है रिश्ते में, आना जाना फिलहाल भी लगा हुआ हो सकता है किसी किसी का, लेकिन कहीं भी ये कमिटमेंट नहीं हो रहा है, कहीं भी ये वादा नहीं हो रहा कि वो इसमें कमिटमेंट देंगे, फिर से ऐसा नहीं होगा, फिर वो इस रिश्ते के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, शादी करेंगे, कोई इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि जब तक सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए अभी ठीक नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, वक्त ठीक नहीं है, तो अभी आप वेट कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा, तभी आप इसमें अगर चाहते हैं तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा। लेकिन जो है ये 31 तारीख तक का तो महीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तब तक के लिए आप
कोई बिगनिंग कोई शुरुआत अगर हो सके तो उससे बचिएगा, और फिर आगे कि आगे देखेंगे कि सिचुएशन क्या रहेगी। तो अगर ठीक लगता है लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब में करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है फ्रेंड्स, गला दुखता है, दिखना बंद होता है, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखते हुए कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव कमेंट्स बहुत मदद करता है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, कोई बात नहीं। अगर समय अब ठीक नहीं है तो नेक्स्ट टाइम में देखेंगे कि जब तक समय सिचुएशन ठीक होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो हैप्पी रहिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।